नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। कुमकुम भाग्य और इश्कबाज को जोरदार झटका, चौंकाने वाली टीआरपी रिपोर्ट आई सामने। टीआरपी रिपोर्ट में इस बार काफी चौंकाने वाली एंट्री हुई है। इस बार बैक टू बैक कई टॉप शोज ने अपनी धमाकेदार एंट्री की है। वही एक रियलिटी शो ने अपनी एंट्री से कुमकुम भाग्य को तगड़ा झटका दिया है। रियलिटी शो की बात की जाए तो केवल इंडियन आइडल और केबीसी 10 ही दर्शकों के बीच पॉपुलर शो है। ये शो लगातार टॉप 10 में शामिल हो रहा है, लेकिन इस बार दोनों ने मिलकर कई शोज को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी नागिन 3 नंबर 1 पर अपनी जगह को बनाए हुए है। इश्कबाज और ये है मोहब्बते के साथ बिग बॉस 12 और डांस प्लस को भी टॉप 10 टीवी शो में शामिल होने का मौका नहीं मिला। वही राधा कृष्ण और कुल्फी कुमार बाजेवाला ने दर्शकों को पकड़ कर रखने में कामयाबी हासिल की हुई है। वही इस हफ्ते दूसरी पोजीशन मिली है एकता कपूर के शो कुंडली भाग्य को, जबकि तीसरे नंबर पर टीआरपी चार्ट में इंडियन आइडल ने अपनी जगह बना ली है। वही चौथे नंबर पर कुमकुम भाग्य पहुंच गया है। जी हाँ, अभी और प्रज्ञा की जिंदगी में आ रहे लगातार उतार चढ़ावों को दर्शक अब देखना थोड़ा कम पसंद करने लगे हैं। इसलिए नतीजा ये है कि अब ये शो नंबर 4 की पोजीशन पर आ गया है। वही पांचवी पोजीशन हासिल की है कुल्फी कुमार बाजेवाला ने। दर्शकों की पसंद को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब दर्शक कुछ नया देखना चाहते हैं। इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट में ये रिश्ता क्या कहलाता है को जगह मिली है 6th पोजीशन, जबकि 7वें पायदान पर है अमिताभ बच्चन का रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति। और कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को इस बार 8th पोजीशन हासिल हुई है, जबकि 9th पोजीशन पर इस हफ्ते राधा कृष्ण को जगह मिली है। वही अगर 10th पोजीशन की बात करें तो इस हफ्ते 10वां स्थान मिला है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।